हाय स्टूडेंट्स, सोहम सर, यस आराध्य क्लासेस, चैप्टर 4 मोशन इन प्लेन, उसका जो वेक्टर टॉपिक चल रहा है ना, उस पर 11 नंबर का वीडियो है, आपको 11वें नंबर का लेक्चर दे रहा हूँ, उससे पहले 10 वीडियो दे चुका हूँ। आई होप वो देख के तेरा वेक्टर स्ट्रांग हो गया होगा, है ना। अभी आज उसको और तगड़ा करते हैं, और मजबूत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आ रहा है अपने सीरीज में, ठीक है। क्या है क्वेश्चन नंबर 22? इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन, उसके इक्वेशंस हैं, ठीक है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन मतलब समझना, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के 3 इक्वेशन तो पहले चैप्टर 3 में देख चुका है। हाँ, इसके चैप्टर 3 में जो 3 इक्वेशन है वो तो देख चुका है, वो ये रहे, v इज इक्वल्स टू वी जीरो प्लस ए टी, डी इज इक्वल्स टू वी जीरो टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड वी जीरो स्क्वायर वी स्क्वायर माइनस वी जीरो इज इक्वल्स टू 2ad। एक और देखा था रे, d इज इक्वल्स टू वी प्लस वी जीरो बाई 2 इंटू टी। ये बहुत रेयर है, ये हमको ज़्यादातर यूज में लेते नहीं हम न्यूमेरिकल्स में, इन तीनों से ही अपना काम हो जाता है, तो ये हमको जल्दी याद होता नहीं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभार ऐसा फंस गए ना तो ये काम में आता है ना। हाँ, तो ये फॉर्मूले तो ऑलरेडी देख चुके हैं सर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन के, तो यहाँ पे वापस क्यों? ओ भाई, चैप्टर 3 में जो देखा था तू, वो बिना वेक्टर है। हाँ, आज चैप्टर 4 में इन फॉर्मूलों पे तीर लगाने, वेक्टर लगाने अपने को, तो कैसे लगाने हैं? तो क्वेश्चन को कैसे पता चलेगा कि चैप्टर 4 का है? तो लिख देना इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन इन प्लेन। हाँ, बस इन प्लेन लग गया, मतलब ये लीनियर नहीं है, ये चैप्टर 3 नहीं है, ये चैप्टर 4 है, ठीक है। चल स्टार्ट करते हैं। ओके, ये जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन इन प्लेन, इसको हम ड्राइंग से भी स्टार्ट कर सकते हैं और मैथमेटिक्स से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैंने लेक्चर को ऐसे बाइफर्केट किया है कि फर्स्ट आपको मैथमेटिकली ये समझाऊंगा, पूरा इक्वेशंस ला के दे देता हूँ, फिर एक बार वो जिम्मेदारी खत्म हो जाए ना इक्वेशन लाने की, उसके बाद हम फ्री है, तो लास्ट में जितना वीडियो खींचना है मुझे ड्राइंग में खींचूंगा। बहुत सारे ड्राइंग होते हैं, बहुत ही ज़्यादा ड्राइंग दूंगा इसमें, ठीक है। स्लोप, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी सब क्लियर कर दूंगा, लेकिन पहले मैं एक काम करता हूँ, मेरा जो जिम्मेदारी है इक्वेशंस का वो लाके तुझे दे देता हूँ, ठीक है, ताकि जो बच्चा सिर्फ इक्वेशन पढ़ना चाहता है वो पढ़ के निकल लेवे, बाकी का जो बच्चा फिजिक्स के इन्फिनिट ज्ञान में जाना चाहता है वो रुके लास्ट तक, ठीक है। चला जाओ, देखो सबसे पहले तो एक चीज को आप श्योर कर लो, जब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म मीन्स कॉन्स्टेंट होता है, व्हेन एक्सेलरेशन इज कॉन्स्टेंट, एवरेज एक्सेलरेशन एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बोथ आर इक्वल एट दैट टाइम। अरे डेफिनेटली देख, तू समझ, एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, जैसे हम घर से निकले, यहाँ पे अपना एक्सेलरेशन 5 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 3 है, अलग अलग पॉइंट पे अपना एक्सेलरेशन अलग अलग है, ओके। तो अब किसी को बोलना है कि तेरा एक्सेलरेशन क्या है, तो तू क्या बोलेगा कि घर से निकला तब 5 था, रोड पे आया तब 6 था, हाईवे पे था तब 7 था, वापस घर पे घुसा तो 3 था, ऐसा बोलेगा? नहीं ना, तू एवरेज बोलेगा, तू बोलेगा यार मेरा एवरेज एक्सेलरेशन समझना 4 था, इस 4 के एक्सेलरेशन से मैं, हम लोग एवरेज बोलते हैं, हम सच नहीं बोलते कभी, हम लोग एवरेज बोलते हैं, है ना। अच्छा, इस ट्रैक पे एवरेज एक्सेलरेशन तेरा 4 आया, अब मैं बोलूँ इंस्टेंटेनियस, जब तू मेन हाईवे पे था तब तेरा एक्सेलरेशन क्या था, तो इंस्टेंटेनियस 7 था सर, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन 7 था। तो इन दिस केस एवरेज एक्सेलरेशन एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बोथ आर डिफरेंट, बिकॉज द एक्सेलरेशन इट सेल्फ इज नॉट कॉन्स्टेंट, इट इज नॉट यूनिफॉर्म, इट इज वेराइंग 5, 6, 7, 3। सो फाइनली वी कैन से दैट एवरेज एक्सेलरेशन एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इन दिस केस आर नॉट सेम। बट वॉट इफ एक्सेलरेशन इज कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द मोशन, इफ एक्सेलरेशन इज कॉन्स्टेंट एट एवरी पॉइंट, सपोज इट इज 5 इन द बिगिनिंग, 5 एट द मेन रोड, 5 एट द हाईवे एंड 5 एट द एंड, so what? In this case, your average acceleration is 5 and your instantaneous acceleration is also 5 at any point.
चल मैं बोलूँ इस इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन क्या है, अरे सर 5 है, इधर क्या है बेटा, अरे 5 है, इधर 5 है, सब जगह 5 है ना, हाँ। तो दैट्स वॉट आई वॉन्ट टू से यू कि जब मामला यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का है तब एवरेज और इंस्टेंटेनियस अलग अलग नहीं मिलता है, इक्वल ही मिलता है। हाँ, तो थियरी का बिगिनिंग इसी पॉइंट से हम लोग करेंगे। क्या करेंगे कि जब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है तो एवरेज और इंस्टेंटेनियस इक्वल होता है, मतलब फर्क नहीं पड़ता तू एवरेज का फॉर्मूला ले रहा है कि इंस्टेंटेनियस का ले रहा है। यस, तो बिगिनिंग करते चलो। व्हेन इट इज, इतना नहीं लिखना है, सिंपल लिख, इन केस ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इन केस ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आर इक्वल। यस, ये बिगिनिंग पॉइंट हो गया अपना। अब अपना मेन मतलब की बात करते हैं, इक्वेशंस बनाते हैं। चलो तो एक काम करता हूं, एक्सेलरेशन से ही स्टार्ट करना है। तो एक्सेलरेशन मीन्स चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी मतलब दो टाइप का वेलोसिटी चाहिए हमको, तो इनिशियल फिर थोड़ी देर बाद का, है ना। तो जो थोड़ी देर बाद का है वो और इनिशियल वेलोसिटी, इसको माइनस करेंगे तो चेंज इन वेलोसिटी मिलेगा। मतलब ऐसे कुछ स्टार्ट हो सकता है ना। तो चल लिखते हैं, सपोज, ड्राइंग नहीं ले रहा हूँ, वो लास्ट में लूंगा। सपोज एट टी इज इक्वल टू जीरो टाइम इनिशियल वेलोसिटी इज वी नॉट, ठीक है। एट टी इज इक्वल टू टी टाइम फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू वी, डन। सो नाउ एक्सेलरेशन कौन सा, एवरेज वाला या इंस्टेंटेनियस, कोई भी चलेगा, सब इक्वल है। हाँ, तो सीधा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन टू वेलोसिटी डिवाइड बाई कॉरस्पॉन्डिंग टाइम। ओके, नाउ ए इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी मीन्स फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, डेल्टा टी मीन्स टाइम इंटरवल, सो इट इज टी। यस, दिस इज योर इक्वेशन 1। नाउ टेक दिस टी अलॉन्ग ए, टेक दिस वी जीरो दिस साइड, यू विल गेट दिस इक्वेशन। इट इज फाइनली रिटर्न एज वी इज इक्वल टू वी जीरो प्लस ए टी। सर बहुत स्पीड में दौड़ रहे हो, अरे दौड़ेंगे ना, छोटे बच्चों से थियरी है, कौन इसको लेके बैठेगा 2 घंटे के वीडियो में। अब भी 10-12 मिनट में, 5 मिनट में, 7 मिनट में, 6 मिनट में, तू बोल कितने मिनट में फ्री करूँ। अच्छा जल्दी फ्री होना है तो एक काम कर, वीडियो को 1.25 की स्पीड में दौड़ा के देख ले। चलिए, हो गया तेरा इक्वेशन 2। अब इसको हम कॉम्पोनेंट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यस, ये भी फैसिलिटी है। कैसे लिखेगा कॉम्पोनेंट के फॉर्म में, देख चलेगा, मैं फ्रेम से बाहर हूँ ना, इक्वेशन तो आ रहा है ना। ओके, इसका एक्स कॉम्पोनेंट ऐसे लिखेंगे, वी एक्स इज इक्वल्स टू वी जीरो एक्स प्लस ए एक्स टी। सिर्फ कॉम्पोनेंट इसलिए वैक्टर नहीं लगा रहा हूँ, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। फिर वाई में लिखना है तो ये हो गया वाई, ये हो गया वी जीरो वाई, ये हो गया ए वाई और ये हो गया टी। ये हो गया कॉम्पोनेंट फॉर्म में, क्लियर। लिख दे कॉम्पोनेंट फॉर्म क्लियर। अब क्या है, तो अब दोस्त दिल्ली दूर नहीं है, बस इतनी सी जगह में अपना काम हो जाएगा। यस, बोला ना मैथमेटिक्स थोड़ा हम स्पीड में पढ़ेंगे, फिर इसका जो ड्राइंग वाला पोर्शन है उसको बड़े ही आराम से दिल से पढ़ेंगे, ठीक है। चल दोस्त, यस, अब देख, अरे क्या देख, तेरा आंसर आ गया रे, v इज इक्वल टू वी जीरो प्लस ए टी, ये तो हो गया सॉल्व, इसका वेक्टर फॉर्म तो बन गया। यस, अब दूसरा वाला इक्वेशन d इज इक्वल टू वी जीरो टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्या करना पड़ेगा इसके लिए, अरे ये डिस्टेंस है, इसको वेक्टर फॉर्म में ले जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट है ना। तो डिस्प्लेसमेंट मतलब डेल्टा आर मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब दो टाइप का पोजीशन चाहिए। हाँ, तो फिर लिख थियरी स्टार्ट करें यहाँ से, देख, एट जीरो टाइम पोजीशन इज आर जीरो, एट टी टाइम पोजीशन इज आर,
right? Okay. Now a simple formula. Displacement is equals to average velocity into time. कहाँ से लाए? अरे यार देख, एवरेज वेलोसिटी मीन्स क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है दोस्त. इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर तो बनता है ना फॉर्मूला. बनता है कि नहीं बनता है? हाँ ओके. अब डिस्प्लेसमेंट को हम डेल्टा आर लिख सकते हैं, ठीक है. एवरेज वेलोसिटी क्या लिखेंगे? फिर से वही लिखूँ, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. वाह 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 वाह, क्या बात है, वेरी गुड. तो क्या बचेगा क्या? नहीं, तो ऐसा नहीं लिखना है, कुछ और तरीका सोचना है. तो सोच सकते हैं, एवरेज के लिए हम लोग स्टैंडर्ड 10th में पढ़े थे ऐसा कुछ. देख कि x बार मीन को ही एवरेज बोलते हैं, एवरेज को मीन भी बोलते हैं ना. x बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई अपॉन एन, पढ़ा था ऐसा कुछ. जितने ऑब्जर्वेशन थे उनको प्लस कर, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, सेकेंड ऑब्जर्वेशन एंड थर्ड ऑब्जर्वेशन. सपोज वी हैव 3 ऑब्जर्वेशन, डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, पढ़ा था ना 10वीं में ये. तो वही ट्रिक यहाँ पे लगाना है एवरेज के लिए. हाँ, वेलोसिटी का एवरेज निकालना है, मतलब वेलोसिटी का मीन निकालना है. तो कितना टाइप का ऑब्जर्वेशन है? 2. कहाँ गया? ये रहा ना, ये वेलोसिटी का एक ऑब्जर्वेशन, ये दूसरा ऑब्जर्वेशन. हाँ, तो दोनों का प्लस कर, समेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. कितने ऑब्जर्वेशन है? 2. हो गया. अब इस डेल्टा आर को तू ऐसे लिख सकता है, फाइनल माइनस इनिशियल. यस, तो ये एक धांसु इक्वेशन बन गया तेरे को. नाम दे दे इसको 3. इसको कवर अप भी कर दे, काम आएगा. काम क्या आएगा? आ चुका. अब गौर से देख आखिरी बात, और अपना ये इक्वेशन का झंझट खत्म. इतनी सी जगह है. ये जो इक्वेशन 3 दिख रहा है, ये इसके साथ 1 और 2 का पंगा करवाना है, तो नया 4 और 5 इक्वेशन निकल के तेरे हाथ में आएगा, वो इस फॉर्मेट का मिलेगा. यस डेफिनेटली. ए ये तो हो गया, इधर देख इसका वेक्टर फॉर्मेट तो आ गया ना. अरे वाह, चल 2 खत्म हो गए. रुक, मुझे पता नहीं था ये खत्म हो गया. अब देखा, अब एक काम कर देख, ये जो इक्वेशन 3 है इसमें 2 जगह पे टारगेट करना है हमको. एक तो टाइम पे इसको रिप्लेस करना है. कहाँ से करना है? तो ये आगे पढ़ा है ना, इसमें से भी उठा के करते हैं रिप्लेस. फिर एक इस v को भी रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि v हमारे पास आ चुका है ना. हाँ, तो बस ये 2 कांड कर दे, इसमें तेरा काम हो जाएगा. चल, तो पहला इक्वेशन 3 तो लेना ही लेना है, उसके अंदर क्या करूँ बोल? इस v को रिप्लेस करूँ? तो चल यहाँ से रिप्लेस करते इक्वेशन 2 से, है ना. तो इक्वेशन 3 एन 2 पर से r माइनस आर ज़ीरो वी ज़ीरो प्लस वी डिवाइड बाई 2 इंटू टी. इस v को रिप्लेस करना था हमको, इससे कर दो वी ज़ीरो प्लस ए टी से. वी ज़ीरो प्लस ए टी क्या हो गया? देखा आराम से ना, जल्दी नहीं है. 2 वी ज़ीरो प्लस ए टी डिवाइड बाई 2, और t यहाँ पर है. इस t को अंदर डालना है, ले ले अंदर, तो हो जाएगा टी स्क्वायर. यस, इस 2 को अलग अलग कर दें, कर सकते हैं. तो कैंसिल, तो आंसर आ गया वी ज़ीरो टी प्लस हाफ. यस, तू जो सोच रहा है वही है. हाँ, आ गया तेरा. देख इसको कवर अप कर दे ऐसे, थोड़ा ब्लू कलर से करते हैं कवर अप. सर आज तो बहुत भाग रहे हो. अरे भाग नहीं रहा हूँ यार, ये छोटे बच्चों जैसे इक्वेशन है जो चैप्टर 3 में आप लोग पढ़ चुके हो. इसको लेके आधे घंटे तक बैठा रहूँ. करना क्या था? सिर्फ ये वी को रिप्लेस किया, यहाँ पे देख ले कहाँ से उठाया. तो लिखा ना इक्वेशन 2 से उठाया, यहाँ से कैप्चर किया और लाके पटक दिया उधर. फिर थोड़ा गणित लगा दिया, है ना. चल अब लास्ट पोर्शन इसका, अब टी को रिप्लेस करते चलो. तो नोटिस लिख दो, इक्वेशन 3 एंड 1 में से कुछ काम कर रहा हूँ. पहले 3 लिख दे, आर माइनस आर ज़ीरो वी ज़ीरो प्लस वी डिवाइड बाई 2 एंड टी. नाउ कैमरामैन, एम आई गोइंग आउट ऑफ द फ्रेम और एम आई इनसाइड द फ्रेम? ओके, जस्ट रिप्लेस दिस टी. हाउ विल यू रिप्लेस? फ्रॉम इक्वेशन 1, टेक टी एज हीरो एंड टेक ए इन डिनोमिनेटर. टेक ए इन डिनोमिनेटर, यू गॉट द वैल्यू ऑफ टी, जस्ट पुट देयर वी माइनस वी ज़ीरो डिवाइड बाई ए. यस दोस्त, आ गया. इसको वापस ठीक कर दे, वरना खुद ही घूम जाएगा इसके अंदर. यस, अब थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगाते हैं, उसके लिए बैठना पड़ेगा भैया. बिना बैठे तो कोई काम होता नहीं है, बड़ा जोर आता है. चल देख, आर माइनस
आर जीरो, नीचे हो गया टू ए और ये हो गया वी वी प्लस वी जीरो वी माइनस वी जीरो, तो फैक्टराइज आता है ना फैक्टराइजेशन, हाँ वेक्टर निकल जाएगा जब स्क्वायर होता है तो वेक्टर निकल जाता है, हाँ अब टू ए को इधर डाल दे वी स्क्वायर माइनस वी जीरो स्क्वायर, नाउ इट इज टू ए आर माइनस आर जीरो। अच्छा तुझे आर माइनस आर जीरो नहीं पसंद है मत लिख, डेल्टा आर लिख दे बस, अब तो दिल खुश हो गया। चल इसको कवर अप करना है, छोटे बच्चों से थियरी सर, कितना मिनट का वीडियो हो गया टेक्नीशियन, ये 15 मिनट का वीडियो हो गया इतने से में। चल इसको नाम दे दे इक्वेशन 5, ये हो गया तेरा इक्वेशन 4, खेल खत्म। अभी हम ड्राइंग के लिए मिलते हैं, तू पहले इसका स्क्रीनशॉट ले ले, रुक रुक रुक, एक लास्ट लाइन लिख दे वे, क्या उन्होंने बोला था यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के इक्वेशन लाओ, तो एक लास्ट डायलॉग लिख दे कि जो इक्वेशन 2 है 3 है 4 है 5 है ये सारे जो आपने डिमांड किए थे वो वाले इक्वेशन है, इक्वेशन 2, 3, 4 एंड 5 आर आस्ड इक्वेशंस। बहुत स्पीड में गया, स्पीड में नहीं गया तू, अपना लेवल बढ़ा कर, ग्यारहवीं में आ गया, तीन तीन चैप्टर पढ़ के बैठा है, अभी ये सब चीज़ों में टाइम खोटी नहीं करते है ना, रुक जा रेड करने दे। इधर किसको रिप्लेस किया, ये टी को इधर रिप्लेस किया है ना, हाँ बस ठीक है, चल स्क्रीनशॉट ले ले 1, 2 एंड 3। ओके बच्चा लोग स्क्रीनशॉट हो गया ना आपका, अब आई टोल्ड यू कि लास्ट में अब हम ड्राइंग फिगर्स धांसू सीखेंगे, ठीक है तो चलो आ जाओ। कुछ छोटी छोटी बातें हैं, जैसे देखो ये सबसे पहले तो ये जो ग्राफ आएंगे ना, उस ग्राफ में एक सबसे बड़ा जो एक मेन वर्ड है जी, स्लोप, ये बार बार हमारे सामने आता है स्लोप, ठीक है क्या है स्लोप, तो एक्चुअली स्लोप को हम टेन थीटा भी बोल सकते हैं, उसको एम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसके मैथमेटिक्स में बहुत से फॉर्मूले, माइनस ए बाई बी वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, बहुत कुछ है, लेकिन अभी आपके लिए इतना ज़रूरी नहीं है, और लिखा इसलिए जो मैथमेटिक्स वाला बच्चा देखे ना उसको लगे थे वो, हाँ सर को आता ही, तू टेंशन नहीं ले, हाँ लेकिन तुम्हारे लिए जो जरूरी है उतना ही तुमको दिया जाएगा। स्लोप को टेन थीटा भी बोलते हैं और एम से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। अब क्या होता है स्लोप, स्लोप मतलब ढलान, ढलान कैसी ढलान, देख ये रहा, अभी ढलान नहीं है इस पेन में, ये पेन में बिल्कुल स्लोप नहीं है, स्ट्रेट है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। अब जैसे ये पेन ऊपर जाएगी देख स्लोप बनेगा, इतना ढलान बन गया, देख रहे हैं, देख रहे हैं, थोड़ा और ऊपर जाएगा और ढलान बनेगा, और ऊपर गया और ढलान, और ऊपर गया और ढलान, है ना, तो दिस इज कॉल्ड स्लोप। ओके स्लोप तीन चार टाइप का होता है, जैसे लाइन ऐसे स्ट्रेट हो तो समझ स्लोप नहीं है, जीरो स्लोप है, लाइन थोड़ा ऐसे हो तो स्लोप है, चढ़ता हुआ स्लोप है, देख लाइन ऐसे हो तो यहां से देखे तो उतरता हुआ स्लोप ऐसे है कि नहीं, जीरो स्लोप, चढ़ता हुआ स्लोप, उतरता हुआ स्लोप और वेरिएबल स्लोप, डिंग 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 ऐसा बताता हूं। देख स्लोप सबसे पहले तो स्ट्रेट लाइन है, मतलब इसका स्लोप कैसा है, जीरो। अब लाइन ऐसे अपवर्ड चढ़ रहा है तो इसका स्लोप कैसा है, पॉजिटिव। लाइन ऐसे नीचे आ रहा है तो इसका स्लोप कैसा है, नेगेटिव। और लाइन तेरा ऐसे है तो इसका स्लोप वेरिएबल है, वेरिएबल स्लोप, यस। कैसे वेरिएबल, समझाता हूँ, देख पहले तो, अच्छा तो मतलब ये वेरिएबल नहीं है, हाँ ये वेरिएबल स्लोप है, ये नहीं है, क्यों नहीं है, स्लोप का मतलब होता है एंगल। यहां पे देख ये एंगल देख, जैसे 30 डिग्री है तो ये भी तो 30 डिग्री होगा ना, ये भी तो 30 डिग्री होगा, पढ़ाया ना ये तो 8, 9, 10 में, तो इसमें एंगल बदल ही नहीं रहे, मतलब स्लोप कैसा है, कॉन्स्टेंट स्लोप है, कॉन्स्टेंट और यूनिफॉर्म स्लोप। स्लोप में भी देख अलग अलग टाइप होते हैं, हाँ, और इधर वेरिएबल स्लोप है क्योंकि हर जगह ढलान बदल रही है, देख यहाँ पे ढलान देख ज़्यादा है कि नहीं, यहाँ पे देख कम है, दिख रहे हैं, यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा है, समझा, यहाँ पे तो नेगेटिव है, तो अलग अलग जगह पे स्लोप अलग अलग है, इसके ढलान कम ज़्यादा, इसलिए दिस इज वेरिएबल स्लोप। वेरिएबल ऊपर लिख दिया फिर लिख रहा हूँ, मज़ा आता है लिखने में वेरिएबल स्लोप, क्लियर। तो देख जीरो स्लोप पॉजिटिव, कॉन्स्टेंट स्लोप नेगेटिव, कॉन्स्टेंट स्लोप वेरिएबल स्लोप,
ओके डन। चलो अब एक चीज, जैसे ये x और t का ग्राफ है भैया, समझना। अच्छा tan थीटा मतलब क्या होता है रे? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट होता है कि नहीं, जानते हैं ना? हाँ देख, जैसे ये है डिस्टेंस का ग्राफ, ये है डिस्टेंस का एक्सिस, ये है टाइम का एक्सिस। डिस्टेंस अगेंस्ट टाइम का ग्राफ बना रहा हूँ, ये बन गया देख ग्राफ। हाँ तो ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पता नहीं सर, तो अभी पता चलेगा। यू कीप वॉचिंग द वीडियो, अभी मजा आएगा। देख बताता हूँ, ये जो इतना लेंथ है क्या दिखाएगा? टाइम दिखाएगा। ये क्या दिखाएगा? हाइट। हाइट मतलब इधर क्या है, डिस्टेंस है ना, तो एक्स दिखाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे थीटा लगा लेते हैं, ऐसा करो तो दिख ले टेन थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अच्छा टेन थीटा को हम क्या बोलते हैं? स्लोप भी बोलते हैं। तो टेन थीटा को क्या बोलेंगे? स्लोप। और डिस्टेंस अपॉन टाइम को क्या बोलेंगे? वेलोसिटी या स्पीड। तो आ गया ना, समझा क्या बोलना चाह रहा हूँ? कि एक्स अगेंस्ट टी का ग्राफ है, तो ये जो स्लोप बन रहा है रेड कलर का, उस स्लोप को हम क्या बोलेंगे? वेलोसिटी या स्पीड, डिपेंड्स ऑन वेक्टर और नॉन वेक्टर स्केलर मैटर्स। समझा? एक्स और टी के ग्राफ में जो स्लोप होता है ना भैया, वो वी होता है, वी। ऐसे देख प्रूव हो गया। और सेम चीज एक्सेलरेशन अगेंस्ट टाइम, ये देख हो गया एक्सेलरेशन, ये हो गया टाइम। चल फिर से निकाल दे। यस चल देख, ये हो गया थीटा, ये इतना पोर्शन क्या है? टाइम। और ये क्या है? ए। तो चल देख टेन थीटा इज इक्वल्स टू अपोज, अरे यार ए नहीं लेना था, वी लेते ना। हाँ वी 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 ओके वी हार वी पता है मुझे, अपॉन टाइम। अच्छा टेन थीटा को क्या बोलेंगे? स्लोप। बी अपॉन टी को क्या बोलेंगे? एक्सेलरेशन। यस, तो इसमें जो स्लोप है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। समझा? अब मुझे ये बता, ये जो रेड कलर का स्लोप दिख रहा है वो है तो एक्सेलरेशन, लेकिन कैसा एक्सेलरेशन है? वेरिएबल है या कांस्टेंट है? कांस्टेंट है ना। तो इस केस में ए तेरा कैसा आ गया? कांस्टेंट। कांस्टेंट मींस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाला मामला है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। तो इस ग्राफ को वो तीन फॉर्मूला लगेगा। समझा कि नहीं समझा? हाँ। अब अपने को क्वेश्चन में क्या ड्राइंग लेना था? तो इजी ड्राइंग है, यहाँ पे दिख रहे हैं जो मैंने अभी थियरी पढ़ा दी आपको, इक्वेशन सारे ला दिए, उसमें ड्राइंग ले लेना ऐसे समझ के इजीली। देख ये है तेरा वेलोसिटी का एक्सेस और ये है टाइम। ओके डन। जीरो टाइम पे अपन ने थियरी में क्या लिया था? इनिशियल वेलोसिटी वी जीरो लिया था ना, मतलब कुछ था जैसे यहाँ पर है इनिशियली ऑब्जेक्ट का स्पीड, यहाँ पर है वेलोसिटी, यहाँ पर है। फिर थोड़ा टाइम बढ़ा, स्पीड और बढ़ा, वेलोसिटी और बढ़ा, थोड़ा टाइम बढ़ा, वेलोसिटी और बढ़ा, थोड़ा टाइम बढ़ा, वेलोसिटी और बढ़ा, सपोज यहाँ तक पहुँच गया वी, और ये इनिशियल है वी जीरो, टाइम यहाँ तक लग गया। तो इन दोनों को कनेक्ट कर इधर, है ना। तो स्टार्टिंग यहाँ से हुआ वेलोसिटी का और एंड यहाँ पे हो रहा है, तो ये ग्राफ बनेगा ऐसा। हाँ यस। तो ये एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। डन कि नहीं डन? पक्का डन। अच्छा ये जो कितना है मेजरमेंट? वी। और ये क्या है? वी नॉट। ये जो रिमेनिंग पोर्शन है वो क्या होगा? अरे यार जैसे ये 10 मीटर लंबा है, समझ, उसमें ये है 3 मीटर, तो जो रिमेनिंग पोर्शन है वो 10 माइनस 3 7 मीटर होगा ना। ये 10 और ये 3, 10 माइनस 3 करिए 7 हो जाएगा, जैसे वी माइनस वी जीरो, तो ये क्या हो जाएगा? वी माइनस वी जीरो। तो इधर जितना है उतना ही इधर भी होगा, v माइनस वी जीरो, और ये क्या है? टाइम। तो अब देख ये स्लोप मतलब एक्सेलरेशन और स्लोप मतलब टेन थीटा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ले आ गया इक्वेशन, यहीं से तो स्टार्ट किया था अपन ने इक्वेशन। यस समझा? तो इस थियरी में ड्राइंग का क्या कनेक्शन है? देख सारे ड्राइंग खोल के रख दिए, थोड़ा स्पीड था क्योंकि तू बड़ा बच्चा हो गया है, ये सारे ड्राइंग चैप्टर 3 में तेरे टीचर ने तुझे दिखाई ही होंगे, देखे ही होंगे तूने, मैंने सिर्फ रिवीजन करा दिया अपने अंदाज में कि सोहम सर ऐसे पढ़ाते इस चीज़ को, ठीक है, थोड़ा फास्ट लिया, बट इट्स ओके, आई एम सेटिस्फाइड। इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद दिस वर्क, राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन कि सर मजा नहीं आया,
और मजा आया ना तो सच्ची वाली तो लिख कमेंट में कि सर मजा आ गया। हाँ चल अब स्क्रीनशॉट ले ले, बाय, 1, 2 एंड